अनुज ने दिखाया फूड क्रिटिक्स को तोशु का असली सच, दिलवाया अनुपमा को इंसाफ। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं अनुपमा फिर से एक नई मुसीबत में फंस चुकी है। जी हाँ दोस्तों, रेस्टोरेंट में काफ़ी ऐसी चीज़ें हो गई है जिससे अनुपमा का ही नहीं पूरे रेस्टोरेंट का नाम खराब हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं अनुपमा के लिए कितना बड़ा दिन था और अनुपमा ने कितने प्यार से बनाई थी उंधियू बिरयानी। जी हाँ, उंधियू बिरयानी जब प्रेजेंट की फूड क्रिटिक के सामने तो उसमें निकला एक बड़ा सा कॉकरोच। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं ये तो एक नाइटमेयर से कम नहीं है और इन सब के पीछे अब सबको लगता है कि अनुपमा ही जिम्मेदार है और इस बात पर यशदीप ने भी काफ़ी गुस्सा किया है अनुपमा पर। जी हाँ, और पूरा पूरा ब्लेम डाल दिया है अनुपमा के ऊपर ही। जी हाँ दोस्तों, अब अनुज ये बात जान चुका है और अनुज ने कुछ ऐसा किया है जिससे इस बात के पीछे का सच पता चलने वाला है। तो वो सच क्या है ये हम आपको बताएंगे, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नई एक्सक्लूसिव अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, अनुज जान चुका है सीसीटीवी फुटेज के थ्रू कि इस चीज़ के पीछे तोशु और गुलाटी का हाथ है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि तोशु और गुलाटी के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई थी, लेकिन उन दोनों की इतनी बड़ी साजिश होगी अब ये तो अनुज को पता चला है दोस्तों। अब इसी बात के लिए अनुज अब इस फुटेज को लेकर पहुंच चुका है फूड क्रिटिक्स के पास। जी हाँ दोस्तों, वो अनुपमा को इंसाफ दिलाने के लिए अब कुछ भी कर सकता है। और हम जानते हैं कि अनुज और कोई नहीं, बहुत बड़ी हस्ती है उसकी फील्ड में। उसने भी अपना काफ़ी नाम रोशन किया है, काफ़ी बड़ा नाम किया है खुद का और उसकी काफ़ी पहचान है अमेरिका में भी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए अनुज इस फुटेज को लेकर पहुंच चुका है क्रिटिक्स के पास, क्योंकि वो उसकी बहुत अच्छी पहचान है फूड क्रिटिक्स के साथ भी। जी हाँ, और ये क्रिटिक्स को अब वो बता रहा है कि कैसे इस चीज़ के पीछे किसी और की साजिश है और ना ही इसमें रेस्टोरेंट की या अनुपमा की कोई गलती है। तो अब ये वीडियो लेकर वो पहुंच चुका है क्रिटिक्स के पास और इतना ही नहीं, इसके बाद वो ये वीडियो दिखाएगा मीडिया में ताकि अनुपमा बेकसूर साबित हो। अब अनुपमा को इंसाफ तो मिलेगा, लेकिन अनुपमा इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी नाराज़ है कि यशदीप ने भी उस पर भरोसा नहीं दिखाया है। अब इन सब चीज़ों की वजह से आगे क्या होने वाला है और यशदीप और अनुपमा की जो दोस्ती है उस पर आखिर क्या इफ़ेक्ट होगा, ये हम बताएंगे अगली वीडियो में। बस आपको हमारे साथ ही बने रहना है, हमारे चैनल से जुड़े रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।